इक्वल वो सेंट्रल लुक देने के लिए। सबसे पहले तो आप सभी है आए, आप सभी यहाँ पे सूट बूट में बहुत ही हैंडसम और ब्यूटीफुल लग रहे हैं। 19 अगस्त को रिलीज है तो कितने एक्साइटेड हैं, क्योंकि अब दिन बहुत ही नजदीक आ रहा है, कितने एक्साइटेड आप लोग इस फिल्म को लेकर? Excited, but I haven't had much time to think about it in terms of, we've been doing this every day, so I haven't really thought about it. I didn't even know it's like 1 week, 6 days, it's one last week, week. 1 week to go, yeah. So it hasn't even sunk in yet for me. नहीं बग्गा, आई थिंक मज़े ले करने वाला किरदार था और मज़े ले किया है। मेरे लिए बहुत अलग था ये किरदार, बहुत सीरियस टाइप के रोल्स किए मैंने, थोड़ा सीरियस नहीं है ये। मैं यही उम्मीद करूँगा कि ये अगर आपको हंसा जाए ये किरदार, तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। गुड्डू ये बहुत क्लोज है अपने किरदार के। लेकिन गुड्डू एक सिंगर है, वो बजा नहीं रहा, एंड ही इज हैप्पी एंड गुड्डू हैव नोन ईच अदर सिंस दे वर किड्स, चाइल्डहुड फ्रेंड्स रहे हैं और एक दूसरे को जानते हैं उससे भी ज्यादा। और या वो दिल हथेली पे लेके चलता है, इज अ वेरी वेरी सिंपल गाय, ब्लैक एंड व्हाइट एंड नो ग्रेस, आई थिंक दैट्स व्हाट आई लव अबाउट। तो बहुत अच्छी बात है और गाते भी बहुत नहीं सुन के आप लोग खुद कहेंगे कि बिल्कुल सुर में गाते हैं, और उसमें क्या बुराई है? काश मैं गा सकता तो मैं तो आप लोग के सामने, मैं तो एल्बम गा देता अभी तक। ये बहुत गाते हैं ये, मैं गा रहा हूं, इज अ छुपा रुस्तम। अच्छा, हाउ इज रुस्तम डूइंग? अरे हां, नहीं अभी इट्स जस्ट कम आउट। Loud and she wears a heart on her sleeve, she's a fire star, very feisty. So in that respect, not the same as how I am in real life, but there are certain things about her, like I like that she's, you know, stubborn and opinionated and independent, and she's brave. So yeah, there's like a little mix of, I'm a little like that, I'm a little not like that. और रियल लाइफ में आप कैसे हैं, कुछ बताइए ऑडियंस को इस बारे में। बिलाल अहमद है, बाहर पढ़ के भी आया हुआ, तो वैसे काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों हमारे बीच, बट आई थिंक फ़र्क इतना ही है कि क्योंकि वो पाकिस्तान में पला बड़ा है तो वो उर्दू बोलता है, और मैं ऑफकोर्स इंडिया में पला बड़ा तो मैं हिंदी बोलता हूँ, उससे ज़्यादा फ़र्क था नहीं। बट देन अगेन कैरेक्टर ट्रेस इज़ लाइक, वो बहुत ही रिफाइंड है, सॉफ्ट स्पोकन, जेंटलमैनली, जो मैं नहीं हूँ, तो वो सब चीज़ें तो मुझे ऑफकोर्स एड ऑन करनी पड़ी। अब लिखी गई थी इतनी अच्छी तरह से, आई डिडंट हैव टू ट्राई टू हार्ड, यू नो, इट हेल्प्स व्हेन द स्क्रिप्ट इज सपोर्टिंग यू। भाषा पे सबसे ज्यादा काम करना पड़ा। आई मीन मैं उर्दू पढ़ चुका हूँ, बट उस लॉन्ग टाइम अगर 18 साल की उम्र का था मैं, लकीली प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम नहीं थी, मगर वोकैबुलरी मेरी कमजोर है, तो वहाँ से मुझे डायरेक्टर से बहुत सारी हेल्प मिली। उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा, बहुत अच्छी तरह से लिखा गया ये कैरेक्टर, ये कहानी, तो वो सपोर्ट स्क्रिप्ट से जब मिल जाता है तो फिर वो प्रोसेस भी थोड़ी आसान हो जाती है। जी मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आज 20 मिलियन हो गए आप ही लोगों ने दिए, थैंक यू सो मच। नहीं मैंने यहाँ के लिए ना अच्छे से प्यार बचा के रखा है, ये बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा सा है, उसका एक अलग स्पेस है, वो भी अच्छा है, वो एक हकीकत है बाहर जो के प्यार आ जाते हैं वो सब का आई थिंक क्या कहते हैं उसे सबको मैंने ऐसे दिखाया, ये उसमें मैं अपने आप को नहीं प्ले कर रहा हूँ, मैं आई थिंक सबकी विशेस प्ले कर रहा हूँ, तो भी या मूवमेंट कम हो जाएगा। चले, थैंक यू, बोला ना सब लोग, क्या चीज़?
वो अलग सबका चाहिए था। उनसे तो ज्यादा ही एक्साइटेड हैं हम, इसलिए क्योंकि हम उनके पहले से इस फिल्म पे काम कर रहे हैं तो लेकिन बहुत अच्छा लगता है एज ए फिल्म मेकर, एज ए डायरेक्टर। आई थिंक आई स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ बोथ ऑफ अस, जब कास्ट एक फिल्म से खुश होती है तो मेरा ख्याल है आप सभी लोगों को भी, मीडिया को भी और जनता तक भी एक मैसेज पहुंचता है कि जब कास्ट किसी फिल्म को लेकर के खुश होती है, जब उसको प्रमोट करने की इच्छुक होती है तो अमूमन होता यह है कि वो फिल्म ठीक बनी होती है, अच्छी बनी होती है, उसका मैसेज ऑडियंस तक पहुँच रहा होता है, तो जाहिर है कि इस बात की बहुत खुशी। Because there are a lot of fans of theirs, they are also very excited to wait to watch all this ensemble cast. So yes, we both are excited, and my whole cast and crew is excited for Happy Raji ID releasing in August 19th. Is it like the center look? सब पूछिए, कोई ऐसी बात नहीं। Not at all, yeah. I don't know where you get that idea from. I don't think, did she run away to Mexico? So yeah, so she didn't run away to a neighboring country, as far as I remember. But no, to clear the myth, in fact, I'm happy you asked me the question, because it allows me to clear a myth. This is not a story about a runaway bride. It's not. It's just a coincidence that the night that she chose to run away from a particular aspect of her life happened to be the night of her wedding, you know. She's not running from marriage. A few people have asked me this question before also, is she commitment phobic, does she not like marriage, is she a runaway bride? No, she's none of the sort. She in fact is running away for love. Jab aap film dekhenge to aap realize karenge ki wo mohabbat ki taraf bhag rahi hai. Uske saath ittefaq kuch ajeeb sa aisa ho jata hai ki wo, she lines up in a place where she's not supposed to be. And then what transpires and a comedy of errors takes place and how everyone seems to get involved in it, which is why you see like a mashallah an ensemble cast sitting in front of you each time you all go for any happy promotion. So yeah, that's what it's about. It's not, it's got nothing to do with that film. ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, ये भी बड़ा अच्छा, ये इसलिए इंटरेस्टिंग ये भी है क्योंकि हाँ ये अफवाहें हैं, इनपे आप यकीन ना करें बिल्कुल भी। और खैर आपके सवाल पे मैं वापस आता हूँ जी। तो नहीं देखिए कैसा है ना कि ऐसा हरगिज नहीं है कि कोई किसी को चुनता है एक फिल्म के लिए। यूं देखा जाए तो उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि यार मुदस्सर अजीज 6 साल से कोई फिल्म नहीं बना रहा था, आपने मुदस्सर अजीज की फिल्म क्यों चुनी, यू नो। तो आई डोंट थिंक दैट्स द स्पिरिट इन व्हिच फिल्म्स आर मेड। कृष्णा जी, एज अ प्रोड्यूसर डायना पेंडिंग वी इंट्रोड्यूस, सो No, not at all. Because Cocktail also, we had introduced Diana in that. Ross had introduced. So it was, she had done a brilliant work in Cocktail also. So I was, we all were waiting for her to come back. And as we all know that she also has a lot of fan following. And more than that, the content also fitted the role for her. For me, it's basically the content. The content needed the people like Diana, Ali Fazal, Abhay Deol, Jimmy, I think perfectly the ensemble fitted so well, and they went, I feel they were perfect for the role. So it was not a risk. अभी इन्होंने 5 मिनट पहले इसको रनवे ब्राइड से कंपेयर कर दिया, बट अगर अगर जो फिल्म बन चुकी है उसको दोबारा बनाएंगे तो जाहिर है कि हम थोड़े से कहीं मतलब है ना, जो फिल्म बन चुकी है उसको दोबारा कोई क्यों मनाए। नहीं, एक्चुअली डॉली की डोली में भी सोनम कपूर भागती है एंड इसमें भी हैप्पी भाग ही रही है। वो तो भाग मिल्खा में फरहान अख्तर भी भागती है तो उसका क्या किया जाए। वो तो भाग मिल्खा में फरहान अख्तर भी भागती है तो उसका क्या किया जाए। अब देखिए अगर कोई किरदार जैसे किरदार है, मिसाल के तौर पर आपका, आपके सवाल को थोड़ा सा और मजाहिया सेंस में अगर मैं लूँ तो हर फिल्म में हीरो हीरोइन से प्यार करता है। अब उसका क्या कीजिएगा आप, उसको बदल तो सकते नहीं हैं। तो
ये मकसद फरहान अख्तर मिल्खा में क्यों भाग रहे हैं, डायना पेंटी हैप्पी में क्यों भाग रही हैं, या जैसा जूलिया रॉबर्ट्स क्यों भाग रही हैं रनवे ब्राइड में, या सोनम कपूर क्यों भाग रही हैं डॉली की डोली में, उनके भागने का मकसद अलग होता है, कहानी अलग होती है। तो यही कहना चाहूँगी कि ये फैमिली एंटरटेनर है, इट्स अ वेरी फन रन कॉम जैसे हम लोग ने बोला है इंस्टेड ऑफ रोम कॉम, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल अलग कहानी है। सो सेंसर बोर्ड हैज नॉट कट बिकॉज इट डिडंट नीड अ कट। नो आई फील ब्लेस्ड ऑलवेज। खाले मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ किसी से कि देखिए हम अलग अलग फिल्में आप तक लेके आते हैं, बट हम हैं एक इंडस्ट्री, हम एक फ्रटर्निटी हैं, हम एक फैमिली हैं, और हम में से हर शख्स ये चाहता है कि हर फिल्म चले। फिल्म चलना या ना चलना सिर्फ उसके मेरिट पे बेस होना चाहिए, उसका कोई और रीज़न नहीं होना चाहिए। एक फिल्म सिर्फ इसलिए ना चले क्योंकि किसी ने उस फिल्म को लीक कर दिया या किसी ने उसका माध्यम बदल दिया, जैसे जैसे हर चीज़ का एक एक मीडियम होता है आप तक पहुंचने का। आप अपने अपने चैनल्स के लिए, अपने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए काम करते हैं, आज आपका कंटेंट कोई किसी और के शो पे आपको दिखाई दे तो आपको किस कदर तकलीफ होगी। तो आप इमेजिन कीजिए कि एक फिल्म मेकर का क्या हाल होता है जब उसी की सोसाइटी का वॉचमैन उसकी फिल्म मोबाइल पर देख रहा होता है। तो इसमें हम सब साथ हैं, ये हम सब के लिए एक सा राक्षस है जिसका नाम पायरेसी है, और इसको मैं समझता हूँ कि इसीलिए मैं कभी कभी जो है इंग्लिश ज़बान से थोड़ा सा नाराज़ रहता हूँ, क्योंकि कई हाई प्रोफाइल टर्म्स दे दिए जाते हैं चीज़ों को। पायरेसी जो है बड़ा खूबसूरत सा लगता है सुनने में नाम, दरअसल ये चोरी है। आपको कोई फिल्म पसंद ना आए आप बेशक ना देखें, बट आपको उस माध्यम तक पहुँचने की ज़रूरत है जिस माध्यम के लिए वो फिल्म बनाई गई है, और आप उसको थिएटर में भी ना देखना चाहें आप बेशक ना देखें, वो किसी रोज़ DVD पे आएगी आप तब देख लें, किसी रोज़ TV पे आएगी तब देख लें। आप ये क्या बात हुई कि आप उस फिल्म के मेकर को ये अपॉर्चुनिटी ही नहीं देंगे कि उसका काम आप तक पहुंचे किसी एक करेक्ट ज़राए से, आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो इस पे किसी एक का गुस्सा या किसी एक का आक्रोश नहीं है, ये हम सब का एक जॉइंट एफर्ट है। और आप मैं आप लोगों को इससे बाहर नहीं समझता हूँ, इसलिए क्योंकि आपका काम भी हमारे काम से जुड़ा हुआ है, हमारा काम आपके काम से जुड़ा हुआ है। आज अगर हम लोग आपके सामने बैठे हैं तो हम जानते हैं कि आपकी रीच के थ्रू हम अपनी ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। तो दिस इज़ अ कोलैबोरेटिव एफर्ट, अ जॉइंट एफर्ट। एंड कृषिका जी ने एक इंटरव्यू में अभी बहुत सही एक बात कही कि उन्होंने कहा कि इसका दायित्व कहीं ना कहीं ऑडियंस पे भी है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Thank you. Need your wishes. For sure. Thank you, everyone. Thanks. How old are you? I'm 21. When did you start? In this field, 3 months ago. No, I'm just...